Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we are going to study class 2 English, chapter name I want NCERT Marigold. After completing the summary and understanding the basic things about the chapter, we'll continue with the question answers later. Thank you. So let's start with the chapter. I want to be big, says little monkey. I want to be strong. मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, छोटे बंदर ने कहा। मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। यहाँ पर बिग का मतलब है बड़ा और स्ट्रॉन्ग का मतलब है ताकतवर, शक्तिशाली। अ वाइज वुमन हियर्स हिम, टेक दिस मैजिक वैंड, शी सेज, एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू। एक बुद्धिमती स्त्री उसकी बातों को सुन लेती है और जादू की इस छड़ी को ले लो, उसने कहा। वो औरत, वो जो बुद्धिमान होती है, वो एक जादू की छड़ी इस बंदर को देती है। वो कहती है, इसे ले लो और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं इससे। यहाँ पे मैजिक वैंड का मतलब होता है जादू की छड़ी, वाइज का मतलब है बुद्धिमान यानी कि लर्न्ड, और विश का मतलब होता है इच्छा। अ जिराफ कम्स बाय, ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज। तभी एक जिराफ पास आता है, वह अपनी लंबी गर्दन को खींचकर बढ़ाता है, वह पेड़ के ऊपर के मीठे पत्तों को खा जाता है। आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक, सेज लिटिल मंकी। पॉप, हिज नेक ग्रोज लॉन्ग जस्ट लाइक द जिराफ्स, लिटिल मंकी इज हैप्पी। छोटा बंदर कहता है, मुझे एक लंबी गर्दन चाहिए। पॉप की आवाज़ के साथ उसकी गर्दन लंबी हो जाती है, बिल्कुल ही वैसे जैसे जिराफ की होती है, जिराफ की तरह। छोटा बंदर बहुत ही खुश हो जाता है, लिटिल मंकी इज हैप्पी। यहाँ पर लॉन्ग नेक का मतलब होता है लंबी गर्दन। एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर, तभी एक हाथी आता है नदी के पास। ही फिल्स हिज ट्रंक विद वाटर, ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ। हाथी अपनी सूंड को पानी से भरता है, वह उसे अपने ऊपर डालता है। आई वॉन्ट टू डू दैट टू, सेज लिटिल मंकी। बैंग, जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ ट्रंक। छोटा बंदर कहता है, मैं भी ये करना चाहता हूँ। बैंग, उसी प्रकार से उसकी भी एक सूंड उग के आ जाती है। यहाँ पर ट्रंक का मतलब होता है लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट यानी कि सूंड, और ब्लो का मतलब होता है टू थ्रो, फेंकना। ही इज वेरी हैप्पी, दिस इज फन, ही सेज। छोटा बंदर बहुत खुश हो जाता है, उसे ये एक खेल लगता है। वो कहता है, वाह क्या मज़ा है इस खेल में। नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा, आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोज, ही सेज विज। इसके बाद छोटे बंदर ने एक ज़ेब्रा देखा, मुझे उसकी तरह धारियां चाहिए, उसने कहा। लिटिल मंकी हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द ज़ेब्रा। तभी विज की आवाज़ के साथ बंदर के पूरे शरीर पर धारियां ही धारियां बन जाती हैं, बिल्कुल ही ज़ेब्रा की तरह। यहाँ पर फन वर्ड आया है, इसका मतलब होता है मनोरंजन, और स्ट्राइप्स वर्ड आया है, इसका मतलब होता है धारियां यानी कि लॉन्ग नैरो लाइंस। He is very very happy. He goes to the river to try out his new trunk. He looks down. छोटा बंदर अपनी मनपसंद की सारी चीज़ें पाकर बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी सूंड को देखने के लिए, वो कैसे यूज़ होती है उसको देखने के लिए नदी के पास जाता है और नीचे देखता है। He sees himself in the water. Mother, he cries, help, a monster. छोटा बंदर नीचे पानी में देखता है, अपने आप को देखकर वो चिल्लाता है, राक्षस मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, सेज हिज मदर, दैट्स यू। यह कोई विशाल प्राणी या फिर राक्षस नहीं है, माँ ने उत्तर दिया। माँ ने कहा कि कोई विशाल प्राणी राक्षस नहीं है, ये तुम ही हो। यू वॉन्ट अ जिराफ्स नेक, एन एलिफेंट ट्रंक एंड स्ट्राइप्स लाइक ज़ेब्रा, डोंट यू रिमेम्बर। बंदर की माँ कहती है, तुम्हें जिराफ जैसी गर्दन चाहिए थी, हाथी जैसी सूंड और ज़ेब्रा जैसी धारियाँ चाहती थी, क्या तुम्हें याद नहीं है। लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, आई लुक ऑफल, ही सेज, आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन।
छोटा बंदर बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है। वो कहता है मैं बहुत डरावना दिखाई दे रहा हूँ। वह कहता है मैं दोबारा से अपने पहले जैसा ही बनना चाहता हूँ, मैं बंदर ही बने रहना चाहता हूँ। देयर इज़ अ पॉप, अ बैंग एंड अ विज, लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, ही जम्प्स फॉर अ जॉय। तभी ही एक पॉप, बैंग और विज की आवाज़ होती है और छोटा बंदर पुराने पहले की तरह बन जाता है, वह खुशी से उछलने लगता है। यहाँ पर awful का मतलब है भयंकर, डरावना, dreadful, और joy का मतलब है happiness, खुशी। He throws the magic wand into the river. He never wants to be anyone else again. वह जादू की छड़ी को नदी में फेंक देता है, अब वह फिर से कोई दूसरी चीज़ बनना नहीं चाहता है। Throws का मतलब होता है फेंक देना और anyone means somebody, कोई और। एक बार इसकी समरी हम इंग्लिश में देख लेते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मंकी हु वॉन्ट्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग। वन डे वन वाइज वुमेन केम टू नो अबाउट दिस। शी गेव वन मैजिक स्टिक टू द मंकी टू फुलफिल ऑल हिज विशेज। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉन्ट्स टू बिकम अ जिराफ, देन ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एलिफेंट, एट लास्ट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ ज़ेब्रा। All his wishes are granted. At last, when he comes along the river, he finds himself looking so scary. He felt so bad after watching his face. He told his mother that he was happy being himself. Then he wishes to come monkey again. His wish was granted and he became monkey again. He threw away his magic stick. ये कहानी यानी कि एक ऐसे बंदर की है जो शक्तिशाली बनना चाहता है। जब एक बुद्धिमती स्त्री को इस बात का पता चलता है तो उसने बंदर की सारी इच्छाएं पूरी करने वाली उसको एक जादुई छड़ी दे देती है। सबसे पहले बंदर जिराफ बनना चाहता है, फिर उसके बाद हाथी बनने की उसकी इच्छा होती है, और फिर बाद में ज़ेब्रा बनना चाहता है। उसकी समस्त इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, पर जब वो नदी के पास अपने आप को देखता है तो उसका चेहरा बड़ा डरावना लगता है उसको। अपने चेहरे को देखने के बाद उसे बड़ा बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं पहले ही बंदर के रूप में ही खुश था। उसने पुनः बंदर बनने की इच्छा जाहिर करता है तो वो फिर से बंदर बन जाता है और छड़ी को फेंक देता है। ये थी कहानी आई वॉन्ट की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, हमारे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।